नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यारी में। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फिलहाल चल रही है एशेज सीरीज, जिसका पांचवा मुकाबला फिलहाल खेला जा रहा है। लेकिन इस दौरान फैंस को विराट कोहली याद आ गए। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर विराट कोहली ट्रेंड करने लगे। अब आप सोचेंगे कि एशेज सीरीज से विराट कोहली का क्या लेना देना। दरअसल इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते फैंस को विराट कोहली याद आए। हुआ कुछ ऐसा था कि जब फर्स्ट इनिंग चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका एक कॉन्ट्रोवर्शियल रन आउट हुआ, जिसके चलते उनको उसके बाद में अंपायर नितिन मेनन ने उनको नॉट आउट करार दे दिया, जिसके बाद फैंस को याद आए विराट कोहली। और फैंस ने इतना कह दिया कि यहां पर अगर विराट कोहली होते तो वो नहीं बचते, उनको आउट करार दे दिया जाता। क्या था पूरा मसला, अब शुरुआत से आपको बताते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की पारी का 78वां ओवर चल रहा था। सामने से बोलिंग करवा रहे थे क्रिस वोक्स और उनकी बॉल पर स्टीव स्मिथ ने शॉट खेला, जिसके बाद वो दो रन के लिए वहां से भागे। लेकिन दूसरा रन वो कंप्लीट कर पाते उसके पहले ही फील्डर ने बॉल दी जॉनी बेस्टो को। जॉनी बेस्टो ने स्टंप्स उखाड़ दिए और स्टीव स्मिथ को खुद भी यही लगा कि मैं आउट हो गया हूं, और वो भी पवेलियन की तरफ वापस लौटने लगे और इंग्लैंड की टीम जो थी वो जश्न मनाने लगी थी। लेकिन अभी पूरा ड्रामा यहां पर खत्म नहीं हुआ था, यहां से तो ड्रामे की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब क्लोज कॉल देखा गया वहां पे जाकर के, बार बार अंपायर ने उस चीज को रिव्यू किया, तो दूसरे एंगल से ये चीज देखी गई कि जॉनी बेस्टो ने जब बॉल कलेक्ट की थी उसके पहले ही उनके हाथ से जो एक बेल थी वो डिसलॉज हो गई थी, जिसके चलते स्टीव स्मिथ को यहां पर नॉट आउट दिया गया था। इसके बाद में जब उनको नॉट आउट दिया गया तो इस डिसीजन से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में थे, भले ही वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हो। लेकिन जो नितिन मेनन का यहां पर डिसीजन आया था इसको लेकर के कुछ लोग तो उनकी तारीफें करने लगे कि बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने दिया है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये कहने लगे कि बहुत गलत डिसीजन यहां पर नितिन मेनन की तरफ से दिया गया है। साथ के साथ विराट कोहली का जिक्र यहां पर हुआ। अगर आपको याद हो बॉर्डर गावस्कर सीरीज, वहां पर भी हमें कुछ ऐसे नजारे देखने को मिले थे। और कोहली और नितिन मेनन की जो कहानी है काफी ज्यादा पुरानी है, काफी सारी क्लोज कॉल्स में उन्होंने विराट कोहली को आउट डिक्लेयर किया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर बात करते चले, जो कि इस साल मार्च के महीने में इंडिया में ही खेली गई थी, वहां पर विराट कोहली ने इनको एक तरीके से रोस्ट भी कर दिया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, सीरीज का चौथा मैच चल रहा था, ट्रेविस हेड के लिए डीआरएस लिया था टीम इंडिया ने, लेकिन वहां पर नितिन मेनन ने उनको नॉट आउट करार दिया था, जिसके बाद विराट कोहली खुद उनके पास गए और जाकर के उनको बोला कि अगर मैं होता तो आउट ही होता, अगर आप मुझे तो आउट ही यहां पर डिक्लेयर कर देते। इसके बाद नितिन मेनन भी खुद को रोक नहीं पाए, उनके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल वहां पर आ गई थी। लेकिन नितिन मेनन और विराट कोहली की जो कहानी है इसको लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगी है। फैंस का यह कहना है कि यहां पर विराट कोहली अगर इनकी जगह पर स्टीव स्मिथ की जगह पर होते तो आउट करार दे दिए जाते। इसको लेकर के आपका क्या कहना है, जो भी आपकी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।